हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन तो नहीं है, एक्चुअली रात है और अभी बज रहे हैं रात के 12 और अभी हम निकल चुके हैं जम्मू के लिए। तो भाई जो है मेरा वो मालदीव में रहता तो वो आया था मेरे को मिलने, फिर हम अभी जाएंगे जम्मू ट्रिप पे। सो देखते हैं कैसा रहता है ट्रिप। आई होप आप लोगों को ये वाला ट्रिप में अच्छा लगेगा, मज़ा लगेगा। अभी हम एक ढाबे के पास रुके हैं चाय पीने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग अभी हम चलते चलते पहुंच चुके हैं पठानकोट और यहाँ पे जो धुंध पड़ी है बहुत ही गंदी, और यहाँ पे देखो आप कुछ नहीं दिख रहा आगे रोड के, एकदम से कहीं पे धुंध है कहीं पे नहीं है, बट हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। और अभी जो टाइम हो रहा आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम ये हो रहा है 3:10। हम चले थे वहाँ से 11 बजे करीबन, तो ऑलमोस्ट देयर। दो तीन घंटे का रास्ता और रह चुका है उधमपुर, उसके बाद आगे की जर्नी बताएंगे आपको जैसी सुबह होती है, क्योंकि रास्ते में कुछ दिखाने का इतना कुछ खास है नहीं। तो भाई लोगों वैसे तो आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा, बट अभी हम पहुंच चुके हैं जम्मू, ऑलमोस्ट लाइक एग्जैक्टली जम्मू नहीं पर जम्मू की बॉर्डर में। इस जगह को बोलते हैं लखनपुर, और अभी भी अंधेरा है, अभी थोड़ा 1-2 घंटे और लगेंगे हमें उधमपुर पहुँचने में। फिर आई थिंक उधमपुर में हमें सुबह हो जाएगी उम्मीद है, तो दिखाते हैं आपको जैसा भी रहता है। अभी भाई लोग अपनी चाय चुप हैं, ठंड लग रही है यहाँ पे काफ़ी, उसको नींद भी आ रही थी तो ठंडी ठंड है यहाँ पे। चाय पीने का अलग ही नज़ारे नज़ारे भाई। नींद आ रही है क्या अभी भी तेरे को? सही है भाई, तू नहीं पिएगा चाय? नहीं भाई मैं नहीं पी रहा। पी ले, पी ले, मस्त हो रही भाई, पी ले। नहीं तो रात की चाय वैसे भी सही होती है। अभी हम उधमपुर से आगे आ चुके हैं, यही रोड है जो कश्मीर की तरफ जाती है। यहाँ की वादियाँ देखिए आप, खूबसूरती नज़ारे ही नज़ारे चारों तरफ, वैली के बीच में ड्राइविंग। ये हमारे ड्राइवर साहब थके नहीं है, ये देखो ये तो सो ही गया भाई, उसको तो हो गया। गुड मॉर्निंग। सही है सही है। तू सोते रह भाई, तू सोते रह, तू खड़ा भाई क्या करें, अब कुछ करने को है नहीं यहाँ पे। ये जनाब तो थकते नहीं है ड्राइविंग करके, हो गया 8-9 घंटे हो गए ना चलाते चलाते 11 बजे से। हाँ नीचे के नज़ारे देखिए आप, जबरदस्त। भाई अब हम एशिया की आई थिंक या फिर इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है, आई थिंक ये है अराउंड 9 किलोमीटर करीब। अब जाके ये टनल ख़त्म हुई है। तो हम रात को जैसे अपने देखे कि रात हो चुकी थी काफ़ी, तो रात को हम इस गांव में रुके थे। काफ़ी सा सुंदर सा गांव है यहाँ पे एक, ये गांव श्रीनगर और जम्मू के बीच में पड़ता है, यहाँ मेरा दोस्त रहता था। तो रात को उसके घर रुक के फिर कल थोड़ा आसपास ही रेस्ट किया, थोड़ा इधर उधर घूमे, फिर आज हम जा रहे हैं श्रीनगर कश्मीर। तो देखते हैं कैसा रहता आज का सफ़र, क्योंकि आज से पहले मैं कभी कश्मीर नहीं गया, सुना तो बहुत है TV2 पे वीडियोज़ वगैरह काफ़ी देखी, बट मैंने आज तक कश्मीर ऐसे नहीं देखा। मेरे हिसाब से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, यहाँ पे भी है ठंड पर उतनी नहीं है, काफ़ी स्नो वगैरह पड़ी होगी। बाकी उम्मीद है कि कुछ अच्छा मिलेगा हमें, वहाँ स्नोबोर्डिंग वगैरह भी होती है कश्मीर में, तो शायद कर लेंगे। देखते हैं कैसा रहता है, दिखाते रहेंगे आप लोगों को। रास्ता देखो आप यहाँ का, तो ये हमारे अतुल भाई और अनिल,
इसको तो देखा है आपने चंद्रशिला वाले तुंगना थारे ब्लॉग में, इसे ही अगर रुके थे हम रात को। ये खूबसूरत सी वैली के आसपास इनका गांव है। अरे भाई कांटा चुभ गया देखो। तो भाई अभी हम चल चल के वहाँ ऊपर जो टावर था दिख रहा होगा आपको, काफ़ी छोटे छोटे घर हैं, वहाँ से चलते 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 1.5 किलोमीटर फिर भी रोड पे पहुँचे हैं। और सामने अपनी गाड़ी खड़ी है, निकलते हैं कश्मीर के लिए। अगर आप लोग पीड़ा के आसपास आ रहे हो, यहाँ पे एक मस्त ढाबा है मंसराम एंड सन्स, तो उस ढाबे पर आप आओगे मेरा नाम दे देना राहुल भट्ट, भाई आपको सन्नी भाई आपको डिस्काउंट दे देगा। भाई अपनी गाड़ी का ना पानी ख़त्म हो चुका था रात को, भाई पानी भर रहा है। हम तो कनाडा में वो दूसरा लिक्विड होता है क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा ठंड है, फ्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे ये लोग पानी डालते हैं। सामने एक खूबसूरत सा डैम, ये चेनाब रिवर है सामने जो बह रही है। रामबन डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे ये लोग ये 4 लेन का काम कर रहे हैं, रोड काफ़ी ख़राब है, काफ़ी तो नहीं बोल सकते मतलब ठीक है, चल रहा है काम। और ये रिवर कौन सी है? चेनाब रिवर है ये, वही है चेनाब। ये क्या जा कश्मीर जा रही है क्या ऊपर? ये कश्मीर नहीं जा रही है, ये पाकिस्तान जा रही है। यहाँ से कहाँ से रही है? आ रही है ये हिमालय से। अच्छा सही है। ये रोड देखो, रोड देखो, नीचे चिनाब देखो पूरा, ऊपर से कोई गाड़ी नीचे गिर गई तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे अभी टनल वनल का काम चल रहा है, जब 4 लाइन क्लियर हो जाएगी तो पूरा इजी हो जाएगा आपको आने जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो आप कंडीशन देख सकते हो, आगे बुरे हाल हो रखे हैं, रोड की ऐसी तैसी लगी हुई है। वैसे तैसे नहीं है, ठीक है, इतना बुरा नहीं है। बहुत बुरा है भाई, बहुत बुरा है, बट आप देख सकते हो, आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में कि क्या सिचुएशन हो रखी है रोड की। यहाँ पे टनल का काम चल रहा है। हाँ भाई अतुल भाई आप कुछ बोलना चाहिए? ये बकवास कर रहे हैं यहाँ पे ज्यादा, इसके बारे में बकवास नहीं कर रहे भाई, हम जा रहे हैं कश्मीर गुलमर्ग और आपको देखने को मिलेगा आगे हम कहाँ कहाँ जाते हैं। अभी कुछ कंफर्म तो नहीं है बट अभी फिलहाल हमने सोचा हुआ है कि अपन गुलमर्ग जाएंगे और गुलमर्ग पहले जाके जाएंगे भाई, पहले सबसे पहले जाएंगे श्रीनगर सिटी में, श्रीनगर में डल में घूमेंगे, फिर उसके बाद वो तो रास्ते में है, डल लेक तो अपने को जाना ही जाना है, घूमना है थोड़ा सा मेन सिटी मेन जो है श्रीनगर में। दोनों भाई लोकल ही हैं यहां पे तो इनको सब पता है क्या सीन है। आज का दिन हम भाई अभी हम पहुंच चुके हैं बनिहाल, ये कश्मीर से जाते हुए रास्ते में पड़ती है जगह, घर और देख। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बर्फ ही बर्फ पड़ रही है, ऊपर शायद गुलमर्ग और सोनमर्ग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होगी, तो शायद हम स्नोबोर्डिंग करेंगे वहाँ, कोई अभी फिक्स नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते बट। और यहाँ हम फिर से एक टनल में आ गए जो कि अराउंड 9 से 10 किलोमीटर है। होटल में जॉब करता हूँ। आप? ये चंडी काम है, अच्छा है, चलाओ आपने इसका फोटो ले लिया। क्या है ये पढ़ा, जरा पढ़ के दिखा मुझे। ये जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट पुलिस विद यू फॉर यू ऑलवेज, फॉर एनी असिस्टेंट क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। ये हेल्प करने की लोगों की मतलब ये ऑनलाइन है आप समझो। हाँ जी जी, ये जो डिपार्टमेंट है आपकी गाड़ी में आपके साथ है, गाड़ी में भी क्योंकि ऑनलाइन है, मोबाइल आप खोल सकते हो। हाँ जी, मोबाइल पे आप आ गए, जैसे ईमेल एड्रेस है आप ईमेल एड्रेस पर टाइप कर सकते हो, जो कुछ भी आपको चाहे आपको फीडबैक देना है, लिखना है कुछ या कोई प्रॉब्लम है उस पर आप लिख सकते हो, अगर फोन नहीं हुआ। ठीक है बाद ये हेल्प के लिए।
ये गेट ऑफ कश्मीर है, यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस है ये लोगों की हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं काफ़ी डरते हैं, मतलब मैं भी ऐसे थोड़ा डर सा लग रहा था, बट आप यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं, यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट है आपके लिए इतना, तो आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कश्मीर में तो आप इन सब पे कॉल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है, इस पर आप मतलब डायल कर सकते हो, इस पर आप फीडबैक दे सकते हो, ईमेल एड्रेस पे ईमेल एड्रेस कोई भी, जैसे आप गाड़ी में तो हम आपके साथ है, इस एड्रेस के साथ हम आपके साथ हैं, आप मोबाइल खोलोगे तो हम ऑनलाइन है डिपार्टमेंट, समझ गए ना। अच्छा, तो कहीं पर भी आपको कोई कहीं हेल्प की जरूरत है तो आपने कॉल करनी है या ईमेल एड्रेस पर जाना है तो वहाँ पर आप मोबाइल पर लिख लीजिए क्या प्रॉब्लम है, क्या हेल्प कर सकते हैं, वो हमारे नंबर से श्रीनगर का है, डल लेक का है, गुलमर्ग का है, सोनमर्ग का है, पहलगाम का है, आपको हेल्प की जरूरत है आपने कॉल करनी है तुरंत कार्रवाई। तो भाई अभी हम आ चुके हैं, पता नहीं जगह कौन सी है बट यहाँ पे ना ये लोग बोल रहे हैं अनंतनाग। अच्छा, अभी हम अनंतनाग में हैं, इसको अनंतनाग बोलते हैं। यहाँ पे ये देखो लकड़ियाँ वकड़ियाँ रख रखी, यहाँ पे बैट बनते हैं, तो देख सकते हैं आप, बैट वुड लेना है, ये दुकानों में भी इन्होंने बैट रख रखे हैं। और हम ऑलमोस्ट कश्मीर पहुँच चुके हैं, मैं कश्मीर तो आ चुके थे बट श्रीनगर। ये भी सनसेट हो रहा है, कितना सही व्यू लग रहा है। तो ये भाई डल लेक है यार, यहाँ पे मतलब ठीक है, इतना कोई खास नहीं लगा, मैंने ऐसी हाइप बना रखी है इंस्टाग्राम पे, ये वो कुछ मेरे को ज़्यादा पसंद तो आए नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत बुरी लगी मेरे को कि लोग ना ज़बरदस्ती आके पूछते हैं, भाई लेट देम एंजॉय, लाइक यू नो लोग आ रहे हैं ज़बरदस्ती, ये लोगे वो लोगे, इसमें बैठो उसमें बैठो, मतलब नहीं बैठना भाई, हमें बैठना होगा तो हम खुद बैठेंगे। तो यही सब है भाई यहाँ पे, ये सब अगर आप लोग आ रहे हो तो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर। सही है आदम भाई, बोलिए कुछ, कैसा लग रहा है कश्मीर? बढ़िया यार, अभी तो जन्नत सही चल रहा है। 2000 सही है, 2000 ये था, 2000 को कुछ भी ऐसा ही था। ये देख अमित, ये देखो ये मेरा शिकारा है कि नहीं यार भाई बंदे को देखा तो दोस्त मिल गए वो देखा शक्ल मेरा। तो ये क्या भाई? ये कोयला डालते हैं इसके अंदर, कोयला ठीक है, और उसके बाद घर में उबालते हैं, पानी में डालना पड़ता है चाय पत्ती, वो हमारे पास है वहाँ पे चाय पत्ती। कौन सा, ये वाला? हाँ ये वाला रहता है चाय पत्ती। अच्छा, तो उबालना पड़ता है, सैफरन डालना पड़ता है, सैफरन के बाद इसमें वो दालचीनी डालना पड़ता है, वही उबाल के यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसमें ड्राई फ्रूट्स का वेराइटीज मिक्स करना पड़ता है, ये रहता है बादाम, काजू रहता है, बादाम रहता है, काजू रहता है, छोटे इलायची रहता है, वाटरमेलन का बीज रहता है, रोज पेटल रहता है, ये दालचीनी होता है, ये हो गया शंगर, उसके बाद ये शंगर, इसको कश्मीरी में हम शंगर बोलते हैं। अच्छा, हाँ, और उसके बाद इसमें हनी डालना पड़ता है। अच्छा, ये रहता है गुलकंद, यही सब मिक्स करके करना पड़ता है। हाँ, नहीं ये पानी के अंदर है, हम घर में खाली पानी उबाल के चाय पत्ती डालना पड़ता है, सैफरन ये हम यहाँ पे गिलासों में डालते हैं, जैसे कि इसमें ये पूरा इसमें मिक्स रहता है, और यही ये रहता है चीनी। हाँ, तो यही यहाँ पे गिलासी में डालते हैं, बाद में ये डालना पड़ता है और मिक्स करना पड़ता है। बाकी अभी तक यहाँ पे एक ही चीज़ अच्छी लगी है जो कि कावा, इसके अंदर जैसे कि भाई ने बताया कि ये सब चीज़ें थी, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, इतना बढ़िया था, मतलब उसके अंदर फ्लेवर्स वगैरह सारे आ रहे थे। अभी तक हाल फिल कश्मीर का एक्सपीरियंस ये है, आगे पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहता कल का। बाकी वैसे ट्रैवल डेस्टिनेशन है, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता, बट ये भाई ये सारे लगे हुए हैं, अलग अलग प्राइसेस हैं, आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं इन लोगों को। तो यहाँ पे आसपास होटल्स वगैरह भी काफ़ी हैं, बट थोड़े महंगे हैं ये जो होटल्स हैं यहाँ पे, सारे आसपास इतने भी होटल्स हैं। आगे तक इस लाइन में पूरे होटल वोटल हैं, बाकी उधर भी रूम्स हैं काफ़ी, सामने जो लाइक लेक होटल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो आपको दिख रहे होंगे आसपास।
तो अभी हमने ऑलमोस्ट 10-15 जगह होटल ढूंढे, तो हमें होटल नहीं मिले और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो यहाँ पे एक मंदिर सा भी है और ये डल लेक डल मार्केट में, डल मार्केट में, कहाँ पे ये डल मार्केट में, डल लेक के साथ में ही। अच्छा, डल लेक जस्ट हमें कोई 5 मिनट में अगर पैदल जाएंगे तो 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे जो हमने पहले होटल ढूंढे, कोई 4,000, 5,000, 6,000। अभी हमें सस्ते में मिला थोड़ा, 2,000 रुपये का। मतलब थोड़ा पीछे है, थोड़ा पीछे से ना ये मंदिर है, पता नहीं कौन से भगवान का है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये सामने होटल है शाह पैराडाइज, तो इसमें रुकेंगे हम आज। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 4, दिख रहा होगा आपको। और भाई नींद नहीं आ रही, ठंड इतनी लग रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी ऑन है फिर भी नींद नहीं आ रही। और यहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट -2, इतनी ठंड तो नहीं है, मतलब कैनेडा की ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो पता नहीं, काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, नींद नहीं आ रही। बाकी अभी तो मार्केट भी नहीं खुली, नहीं तो चाय पीते, यहाँ ठंड में चाय पीने का अलग ही मज़ा। बट मेरे को, मैंने भी उसको भी जगा दिया, वो जाके उधर भाई देख नहीं रहा होगा, थोड़ी देर ऐसी बातें बातें कर रहे थे, वो भी ट्राई कर रहा, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, नींद नहीं आ रही। तो मिलते हैं सुबह के 7-8:30 बजे, फिर जाएंगे बाहर, थोड़ा देखेंगे क्या नजारा है, शायद बाहर बर्फ़ वगैरह भी पड़ रही है। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम उठ चुके हैं और अपनी गाड़ी रेडी है यहाँ पे। रात को जैसे कि आपको कड़ा होता है कि होटल में रुके थे, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है, ठंड तो काफ़ी लग रही है। बट ठंड के साथ साथ अभी हम जा रहे हैं आसपास, थोड़ा देखते हैं कुछ खाने पीने का सामान, और फिर चलते हैं कहीं किसी खूबसूरत जगह में और दिखाएंगे आपको। बाकी आप नज़ारे देखिए यहाँ के, हल्के हल्के बर्फ़ पड़ रही है, अभी भी मोस्टली कोई उठा नहीं यहाँ पे, वैसे देख सकते हैं भाई ठंड लग रही है क्या ये भाई, ब्लैंकेट ब्लैंकेट ले रहा है, ठंड लग रही है इसको। चलिए चलते हैं। और भाई क्या हाल है, ठंड है, ठंड है, ओ भाई साहब। भाई ये जो डल लेक है यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है, उसके सामने हम सोए थे, वहाँ पीछे एक होटल है, अब देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम अभी जा रहे हैं शंकराचार्य मंदिर, ये भगवान शिव का मंदिर है यहाँ काफ़ी टॉप पे। अभी तो वैसे दिखेगा नहीं कुछ श्रीनगर का व्यू, बट मोस्टली यहाँ पर बहुत सही व्यू दिखता है श्रीनगर का। अभी हमारे आर्मी वाले भाई यहाँ पे गेट खोल रहे हैं, और यहाँ खड़ी करिए, कैमरा बंद कर दीजिए। तो ये देखो भाई पूरा लाइव स्नोफॉल हो रहा है, और अभी हमें आर्मी वाले ने वहाँ पे थोड़ा सा रोका, कुछ ज़्यादा पूछा नहीं है। बाकी ऊपर जाने के लिए हमें एंट्री करानी पड़ेगी, और भाई लोग गए, हमारी गाड़ी नहीं खड़ी, आप देख सकते हैं। वहाँ पे भाई ने मना किया कि हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते कोई भी सिक्योरिटी रीजन से, इंडियन आर्मी है तो ये है, तो हम हैं इन्हीं की वजह से हम हैं। बाकी नज़ारे नज़ारे देखो आप, हम अभी एंटर हो चुके हैं, वहाँ पे वो गेट है आने का, और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर जा रही है शंकराचार्य मंदिर में। हाँ तो ज़रा ठंड लग रही है, बट इतनी नहीं है, इससे भी एक्सट्रीम है, वैसे व्लॉगिंग कर चुके हैं। ये जो सीढ़ियाँ है ऑलमोस्ट 300 कुछ सीढ़ियाँ यहाँ जाने के लिए, सांसें बड़ी जल्दी फूल जाती है भाई। जो स्टार्ट करते हैं दिन में चलते चलते, ये 2 किलोमीटर के बाद मामूल हो जाता है भाई। जूते होते तो उतार दें, ठंड लग रही है थोड़ा सा। जाते हैं भाई।
मंदिर है भगवान शंकर का। ये जो मंदिर है यहाँ पे इन्होंने कैमरा तो नहीं अलाउड किया, बट आप बाहर से थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। अंदर बहुत बड़ा शिवलिंग है हर हर महादेव बोले। और इस मंदिर के बारे में कहा गया है कि जो कश्मीरी पंडित कहते हैं कि ये 8th century में यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी आए थे, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी हिंदुज़म के सनातन धर्म के वो एक प्रचारक हैं, जो कि हर पूरे भारतवर्ष में उन्होंने तपस्या करी थी, लाइक वो घूमे थे और धर्म का प्रचार किया था, जैसे कि बद्रीनाथ वगैरह में भी वो गए थे। और ये ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 8वीं 7वीं सेंचुरी का मंदिर कहा जाता है। ये जलेरी है, देख सकते हैं। तो गाइस ये था भगवान शंकर का मंदिर, जो कि आदि शंकराचार्य जी ने बनाया था। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में इसके पार्ट टू में कश्मीर सीरीज़ के। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टू कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब, ऐसे ही मेरे को प्यार बनाते रहिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हर हर महादेव।